सदर मुशर्रफ का अल्टीमेटम, जब यह ऑपरेशन जारी था और SSG के कर्नल हारून इस्लाम की जब शहादत हुई, उसके बाद सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो अल्टीमेटम दिया था जामाए हफ्सा में मौजूद अस्करियत पसंदों को कि वो अपने आप को हवाले कर दें, हथियार डाल दें, बाहर आ जाएं वरना मारे जाएंगे। जबकि अब्दुल रशीद गाजी से जो आज जियो न्यूज की बातचीत हुई, उसमें अब्दुल रशीद गाजी ने कहा था कि वो इस बात पर तैयार हैं कि जितना कुछ भी वहां मौजूद है वो सब उलमा के हवाले करें, मीडिया को सामने मीडिया को लेकर आए और वो मीडिया के सामने तमाम चीजें उलमा को ट्रांसफर करना चाहते हैं। हम दोबारा आपको वो गुफ्तगू सुनाते हैं जो बाहर की दुनिया से, जामे हफ्सा से बाहर की दुनिया से अब्दुल रशीद गाजी की आखिरी गुफ्तगू। अभी मुझे नहीं पता, मैं पोजीशन तब्दील की है। मैं सिर्फ साथियों को, अपने तमाम साथियों को जो मेरे पास यहाँ आते रहे, उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपके साथ मेरा अच्छा टाइम गुजरा, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। मैं इस वक्त ये चीज कहना चाहता हूँ कि हमारे इस मसले में कुछ सियासी हजरात ने, उलमा ने, सियासी उलमा ने अच्छा किरदार अदा नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला उनसे इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जो है वो इससे पूछेगा। यही मैं चाह रहा था कि जो भी चीज़ हो, प्रोसेस हो, वो ट्रांसपेरेंट हो, उलमा उसमें अपना रोल अदा करें, उलमा को मैं हैंड ओवर करूँ, हर चीज यहाँ का पूरा कंट्रोल उलमा के हाथ में दूँ। ये बात मेरी आखिरी हुई, लेकिन और मेरा यही भी था कि सहाफियों के सामने ये सारी बात हो, ताकि सहाफी देखें कितना असलह है, कितने फखर जो है वो रॉकेट लॉन्चर है, कितने जो है एंटी एयरक्राफ्ट हैं, कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा, सिर्फ जो है 14 जो है वो क्लशन को 14 गने जो है उनके साथ हम अभी तक फाइट करते रहे हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी आप जो है इस वक्त पैगाम को जो है वो नशर करें पूरी दुनिया में, ताकि पता लगे दुनिया को और दुनिया को ये बताएं कि किस तरह इन्होंने मुझे झुकाने की कोशिश किया। हकीकत यह है, आज सुबह के जो मुजाकरात हुए उसने भी मुझे झुकाने की कोशिश की, बार बार थ्रेट देते रहे कि बस अभी ऑपरेशन हो जाएगा। मैंने कहा देखिए बात यह है, इस तरह मुझसे बात न करें। आप गुफ्तगू सुन रहे थे अब्दुल रशीद गाजी की, जो आज सुबह अब्दुल रशीद गाजी ने जियो न्यूज से की, और सबसे आखिरी गुफ्तगू थी उनकी मीडिया से जो उन्होंने जियो न्यूज से की। हमने जियो न्यूज ने आपको लम्हा ब लम्हा इस तमाम ऑपरेशन और इस तमाम सूरत हाल से आगाह रखा है। एक एक लम्हा, एक एक गोली वहां चलती थी, तो हमने आपको उससे भी बाखबर रखा है और यह अफसोसनाक खबर भी हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। हम बात करेंगे आसिफ अली भट्टी से, जो मुसलसल हमारी टीम का हिस्सा है और